Hello friends, welcome back. In this video, we will be learning about unpacking sequences. Tuples are denoted with parentheses. Tuples को denote करने के लिए हम parentheses symbol use करते हैं और tuples sequences होते हैं immutable Python objects के. Immutable means के जहाँ पर हम addition, deletion या updation possibly नहीं कर सकते हैं tuples के साथ. So उस केस में list के साथ जैसे हम easily सारी चीजें कर पाते थे, but tuples के साथ हम element wise assignment भी possibly नहीं कर सकते. So to handle that type of situation जहाँ पर हम टपल्स के एलिमेंट्स को एक्सेस करना चाहते हैं during the program, so उस केस में पाइथन ने एक कॉन्सेप्ट प्रोवाइड किया है that is unpacking sequences. So कोड के थ्रू हम देखते हैं कि टपल के अंदर हम कैसे unpacking sequences का कॉन्सेप्ट अचीव करते हैं. Now for this we have taken an example of cricket player information. हमने यहाँ क्रिकेट प्लेयर इंफॉर्मेशन लिया हुआ है जिस केस में हमारे पास favorite players की information. So our favorite players are Sachin and Virat. So we have taken a tuple. हमने एक tuple लिया है जिसका name है favorite players, जिसमें हमने two values assign की. First value is Sachin and second value is Virat. Now अब इस sequence को हमें क्या करना है, unpack करना है into the variables. तो अब यहाँ पर हमारे पास टू इन्फॉर्मेशन थी, सचिन एंड विराट. सो उसको अनपैक करने के लिए हम टू वेरिएबल्स ले लेंगे एक्स एंड वाई. इसमें हम असाइन करेंगे द टपल नेम. इफ वी एक्सिक्यूट द एक्स वैल्यू देन वी गेट द सचिन एंड इफ वी एक्सिक्यूट वाई वैल्यू देन वी गेट विराट. नाउ लेट्स डिफाइन अ लिस्ट दैट वी कॉल अ स्टूडेंट रिकॉर्ड, जिसको हम स्टूडेंट रिकॉर्ड एक लिस्ट ले लेते हैं जिसके अंदर हमारे पास थ्री वैल्यूज असाइन करते हैं. फर्स्ट वन इज द नेम of student, next one is the roll number of student and third one is the address. अब इस sequence को unpack करने के लिए हमारे पास जो method है that is again the variable's name equals to the tuple name. So variable names are name, roll number and the address. So यहाँ पर हमने three variables लिए, name, roll and address, that is equals to the tuple name that is student record. यहाँ पर जब हम एग्जीक्यूट करेंगे रोल नंबर को, then we get the result 16. If we want to execute the address, then we get the result 127 Franklin Corner and the New Jersey. So in this, what we have, हमने यहाँ पर अनपैक किया है एक लिस्ट को. अगर हम फिर से अनपैक करना चाहते हैं टपल्स को, देन वी हैव अ डिफरेंट वे ऑल्सो. देन वी आर यूजिंग द नेम, रोल, देन वी कैन अनपैक द टपल दैट इज हाउस नंबर, स्ट्रीट एंड स्टेट, दैट इज इक्वल्स टू द टपल वेरिएबल स्टूडेंट रिकॉर्ड, और दैट कैन बी एनी सीक्वेंस स्टूडेंट रिकॉर्ड. नाउ इसको अनपैक करने के लिए हमने लिखा हुआ है जिसमें हमने सारे के सारे वेरिएबल नेम दिए हैं एंड दैट इज इक्वल्स टू सम सीक्वेंस. नाउ इफ यू वांट टू एग्जीक्यूट रोल देन वी गेट 16. इफ यू वांट टू एग्जीक्यूट स्ट्रीट देन वी गेट फ्रैंकलिन कॉर्नर. लाइकवाइज इफ यू वांट टू एग्जीक्यूट स्टेट ऑल्सो देन वी गेट द रिजल्ट न्यू जर्सी. नाउ जब भी हम अनपैक करेंगे वेरिएबल्स को तो ये श्योर होना चाहिए कि उसके जो भी वेरिएबल्स हैं या नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो मिसमैच नहीं होना चाहिए. जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल था फेवरेट प्लेयर्स, जहाँ पर हमने टू प्लेयर्स के नेम दिए थे सचिन एंड विराट. अगर हम थ्री वेरिएबल्स लेते हैं एक्स कोमा, वाई कोमा, जेड, देन वी गेट द वैल्यू एरर. वैल्यू एरर क्यों होगा, बिकॉज हमारे पास टू एलिमेंट्स थे और हमने थ्री एलिमेंट्स में उसको अनपैक किया है. सो इंटरप्रेटर डिसाइड नहीं कर सकता कि किस में कोई वैल्यू आएगी. Now sequence unpacking can be applied to any object that is iterable. जो भी sequence unpacking को हम किसी पर भी apply कर सकते हैं जो भी iterable है. Iterable means एक string भी हमारा iterable हो सकता है, iterators तो होते ही हैं, then generators. तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी concept हैं, इनको हम iterate कर सकते हैं. So अगर हमारे पास एक player name है that is Sachin, Sachin में 6 letters हैं S-A-C-H-I-N, तो हम यहाँ पर 6 वेरिएबल्स ले सकते हैं ABCDEF, that is equals to player name. Now if we want to execute A then we get the result S, if we want to execute B then we get the result A, क्योंकि हमें S क्या मिलेगा, that can come in वेरिएबल a and a हमारा असाइन हो जाएगा वेरिएबल b में। उसके स्ट्रिंग के कुछ ही पोर्शन को अनपैक करना चाहते हैं तो उस केस में हम अंडरस्कोर सिंबल यूज करते हैं, जहां पर हम उन वेरिएबल्स को जिसको हम नहीं चाहते हैं उसको हम थ्रो अवे कर सकते हैं, वो वेरिएबल्स यूज नहीं होते हैं प्रोग्राम में। सो इन दिस केस अंडरस्कोर सिंबल हमने यूज किया है, हमें ए डी और एफ नहीं चाहिए, सो इस केस में हमने अंडरस्कोर सिंबल यूज किया है। सो इन दिस केस इफ यू वांट टू एग्जीक्यूट बी वी गेट ए, इफ यू वांट टू एग्जीक्यूट सी वी गेट सी एंड लाइकवाइज। ओके, द लास्ट थिंग जो हमें डिस्कस करना है दैट इज अनपैकिंग एलिमेंट्स फ्रॉम इटरेबल ऑफ आर्बिट्रेरी लेंथ। अगर हमारे पास आर्बिट्रेरी लेंथ का है तो उस केस में हम कैसे अनपैक करेंगे एलिमेंट्स को। सपोज हमारे पास एक यूजर रिकॉर्ड है वेबसाइट का, जिसमें हमारे पास यूजर नेम है, ईमेल है एंड लिस्ट है, जिसमें हमें पता चलता है कि यूजर कितना टाइम स्पेंड करता है ऑन पर्टिकुलर साइट। देन अब यूजर रिकॉर्ड है दैट इज इक्वल्स टू साइकॉम्प, जहाँ पे यूजर नेम है साइकॉम, यूजर ईमेल आईडी है saicomp@gmail.com एंड द नंबर ऑफ आवर्स। तो नंबर ऑफ आवर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने 3 वैल्यूज ली हैं 3, 8 एंड 5। अगर हम यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे यूजर रिकॉर्ड को देन व्हाट वी गेट। अब इसको अनपैक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर वेरिएबल्स लेंगे। सो यूजर नेम इज फर्स्ट वेरिएबल, ईमेल इज द सेकेंड एंड थर्ड वन इज द आवर्स। सो आवर्स क्या है दैट इज अ आर्बिट्रेरी लेंथ, जहाँ पर हमने 3, 8 एंड 5 वैल्यू प्रोवाइड की है। दैट रिप्रेजेंट्स आवर्स के नंबर ऑफ आवर्स जितना टाइम स्पेंड करता है यूजर ऑन द वेबसाइट। इस केस में अगर हम एक्सेस करना चाहते हैं यूजर नेम को सो वी गेट द रिजल्ट Sci-Comp एंड इफ यू वांट टू एग्जीक्यूट आवर्स देन वी गेट द रिजल्ट 3, 8 एंड 5 इन अ लिस्ट। So that's all for today. If you like my video, please subscribe and share so that more and more users can get benefit of this. Thank you very much.